साहब हमारे को बहुत तकलीफ है, हमारे छत को टचा वायर हो रहे, पूरी अर्थिंग आ रही बारिश के दिनों में और हम नल नहीं खोल सक रहे, हमारे को बहुत तकलीफ है, साल भर से तकलीफ है पानी के लिए। ये बारिश के दिनों में मौसम में बच्चे को हाथ को शार्ट लग गया। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे दिए लाइटा वालों को भी बोले तो केयर नहीं कर रहे, काउंसलर को भी बोले तो केयर नहीं कर रहे। अगर कुछ भी होगा हम लोगों के घर में तो जिम्मेदार आप लोग आ रहेंगे भाई, बहुत तकलीफ है हम लोगों को यहाँ पे। आप लोग कुछ भी इंतजाम करिए वायरों का, क्या कैसा करना, हम लोग गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले। हाँ एक साल से देर बोल रहे हैं लाइटों वालों को भी काउंसलर को भी, लेकिन जू नहीं चढ़ रही उन लोगों के कानों के ऊपर। हाँ छोटे छोटे मजदूरी करके खाने वाले, पूरे छत को लग रहा भाई वायर, आप लोग आके देखिए। आप लोग जब देखेंगे जब यकीन करेंगे, अगर कुछ भी होगा तो आप लोग जिम्मेदार है भाई, लाइट वाले डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, आप काउंसलर यहाँ के जिम्मेदार है। इससे पहले लाइट वाले आए थे यहाँ पे, परसों लाइट वाले आके हम लकड़ियाँ लगाए तो निकाल दे के चले गए। काउंसलर को भी यहाँ के एरिया काउंसलर को भी आप बोले, यहाँ उस्मान नगर से मैं बात कर रही हूँ क्या। इससे पहले आप काउंसलर को भी यहाँ के बुला के बताए, काउंसलर को भी यहाँ पे बुला के बोले हम लोग आते, उन्होंने देख लेके चले गए खाली। क्या नाम है यहाँ के काउंसलर साहब का, वो तो नहीं मालूम। मजहर काउंसलर उस्मान नगर, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर कौन सा है माये? 7 नंबर। बोलो। मैं उस्मान नगर से बोल रही, लाइट की बहुत मुसीबत है बेटा, वायरा पूरे नीचे आ रहा, गेटों में शॉर्ट आ रहा, नल खोलने के तो नल में शॉर्ट आ रहा, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे के ऊपर हाथ ऐसा हो गया, और फिर कल का कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया तो आप लोग जिम्मेदार है, छोटे छोटे बच्चे है, पहले सब आप लोग बोले तो समझ रहे नहीं कर रहे, आ रहे खाली देख रहे, इलेक्शन में भी आते हाथा जोड़ते, इलेक्शन डालो बोलते, लोटा डालो बोलते, फिर बोलते जाके आप लोग जिम्मेदार होंगे, अब कुछ भी होगा तो एक बच्चा तो माजूर दो हाथों का होगा, बच्चे का एक कोई ले रहे नहीं इलेक्शन। बारिश के मौसम में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बारिश के मौसम में तो बहुत मुसीबत हो रही, रास्ता चलना मुश्किल हो जाता, गेटों में शार्ट, दरवाजों में शार्ट, हर जगह शार्ट, बर्तन पकड़ने दो शार्ट, चिल्ले करने जाओ शार्ट, हर जगह शार्ट शार्ट आता बेटा, जरा मेहरबानी होती हमारे ऊपर, जरा कर दिए तो अच्छी बात है बेटा, अगर की हो जाएगा हमारे बच्चों को तो आप लोग लाइट वाले जिम्मेदार रहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका, कहाँ रहते आप? उस्मान नगर में रहते, शेख अजीज। क्या हुआ था बेटे आपके हाथों को? हाथों बताओ जरा, दोनों हाथों सीधे करो। कितने महीने हो गए बेटे शॉट लग के? 3 महीने से। क्या अच्छा है भाई, उस्मान नगर का हाल ये है, इलेक्ट्रिक के वायर्स पूरे नीचे है, यहाँ के काउंसलर्स को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कुछ भी तवज्जो नहीं है भाई। 3 महीने पहले ये हादसा हुआ, बच्चे दोनों हाथों से महरूम हो चुका है, देखिए कोई आगे पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ करने वाला है, यहाँ के काउंसलर्स है बोल रहे हैं कर रहे हैं, मोहम्मद मजहर यहाँ के काउंसलर है वार्ड नंबर 7 के, बोलने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं है, आके देखना करना कुछ भी नहीं है, ये एक हादसा ऐसे ऐसे कई हादसे हो जाते अगर ये वायरा नीचे रहे, 11 के भी के वायरा घरों को लग रहे लोगों के, अगर खुदा ना खासा कल के दिन कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? आप लोग आके कुछ करेंगे यहाँ पे? कोई आके करने वाला नहीं है भाई, बच्चे लोग क्या करेंगे अगर उनके घर में कुछ होगा तो कोई आके देखने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कितने साल पहले आया था यहाँ पे? एक साल पहले आके यहाँ पे सर्वे करके गए, ईडी साहब बोले 8 दिन में ये हटा देते, बोल के 1 साल हो गया, वो ईद में हटाते बोले तो ये ईद चले गई, आगे कोई देखने वाला नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और यहाँ के काउंसलर जो भी जिम्मेदार है उन लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे।